नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम हेयर और स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है और इसके लिए आपको बहुत ट्रेंड स्टाफ और ट्रेंड डॉक्टर की आवश्यकता होती है। जनरली प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट इस प्रोसीजर को करते हैं। इसके लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रिजल्ट आपको उतना प्रॉमिसिंग मिल सके। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में होता यह है कि हमारे दो एरियाज होते हैं, एक होता है डोनर एरिया, एक होता है रिसिपिएंट एरिया। डोनर एरिया वो जहां से हम लोग बालों को लेंगे, हेल्थी हेयर्स को लेंगे, और रिसिपिएंट एरिया वो जहां पर गंजापन है, बॉल्डनेस है, जहां पर हम बालों को इम्प्लांट करेंगे, यानी कि हमने बालों को लिया और एक जगह पे बालों को लगाया। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जनरली जो अपना डोनर एरिया होता है वो बैक साइड ऑफ स्कैल्प होता है या मुस्टैच या बियर्ड यानी दाढ़ी मूछ या नेक के बाल होते हैं, और रिसिपिएंट एरिया जनरली फ्रंटल टेम्पल्स और आपका वर्टेक्स या क्राउन पोर्शन होता है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन का एक बेसिक है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन लोकल एनेस्थीसिया देके किया जाता है। इसके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया यानी आपको पूरा सुन करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक रिंग ब्लॉक देते हैं यानी कि आपके सर के यानी स्कैल्प के चारों तरफ एनेस्थाइज कर देते हैं जिससे कि आपको पेन महसूस नहीं होता प्रोसीजर करते टाइम। तो इसको हम लोग एक पेनलेस प्रोसीजर मान के इसको हम कर सकते हैं। बट आपको हरदम जब भी ये प्रोसीजर करवाना है आप हरदम अपना डॉक्टर का पता जरूर कर लीजिए कि उन्होंने कितने सक्सेसफुल केस दे रखे हैं, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को ऑप्ट करिए। ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, इसलिए ऐसा कोशिश करिए कि कभी एचटी का नौबती ना है, इसलिए पहले ही बालों के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें मिनोक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड की कुछ गोलियां, मल्टीविटामिन्स, पीआरपी थेरेपीज होती हैं। इन सब चीज के बारे में मैंने पूरे वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी जरूर आ जाके आप देख सकते हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन तब ज्यादा पड़ती है जब आपके हेयर थिन हो चुके हैं या बाल्डनेस आ चुका है। इसकी पहली वजह तो जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है कि आपको एनजेनेटिक एलोपेशिया है या हार्मोनल इंबैलेंस रहता है या कोई स्ट्रेस फैक्टर्स या कोई मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स रूप ये कंडीशन हुई है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन लेने की नीड पड़ सकती है। इसके टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है स्लिट ग्राफ्ट, जिसमें लगभग 8 से 10 बाल के करीब होते हैं, और सेकेंड जो होता है वो होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफ्ट, जिसमें लगभग 1 से 2 हेयर फॉलिकल होते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है FUE, एक होता है FUT। FUT थोड़ा पुराना हो चुका है, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, स्कैल्पल के थ्रू यानी ब्लेड के थ्रू बैक साइड से यानी कि डोनर एरिया से एक स्ट्रिप लेते थे स्कैल्प की स्किन की जिसमें बाल लगे हुए हैं, हेल्थी बाल हैं, और फिर हम वहां से स्ट्रिप को निकालते थे कुछ इंच, लगभग 6 से 10 इंच उसको ले लेते थे, और उसके बाद उस एरिया को हम सूचरिंग कर देते हैं, मतलब टांके से उसको बंद कर देंगे। फिर हमने जो सेक्शन लिया था उसको बारीक बारीक से हम डिवाइड करते हैं अलग अलग सेक्शंस में, ग्राफ्ट्स में। ये लगभग 500 से 2000 ग्राफ्ट निकल सकते हैं, और वहां पर फिर हम लोग को उसको रिसिपिएंट एरिया पे इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये हो गया फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जो नई टेक्निक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ये अब और एफिशिएंट और इफेक्टिव है, और इसका टाइम भी बड़ा कंज्यूम कम होता है। ये कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग पंच ग्राफ्ट्स के थ्रू, मतलब आपको हम लोग क्या करते हैं, जो पंच इंसिजन होता है यानी कि वहां से काटा उस एरिया को, वहां से हमने हेल्थी हेयर फॉलिकल्स को निकाला, और जो रिसिपिएंट एरिया होता है वहां पर हम होल्स बना देते हैं, पंच होल्स बना देते हैं, और वहां पर हम उसको लगा देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। ये प्रोसेस लगभग 4 से 6 घंटा चलता है, और इसमें हजारों बालों को एक साथ इम्प्लांट किया जा सकता है। ये सुपीरियर रूप है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। इस कंडीशन में बाद में हम लोग उस जगह पे पट्टी सी कर देते हैं, गॉज लगा देते हैं, और आपको बीच बीच में इरिगेशन करने के लिए बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन आपको दे दी जाती है, उसको हम बोलते हैं बार बार में आप स्प्रे करते रहिए ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहती है। साथ ही साथ में इसमें जो स्कार फॉर्मेशन बनता है वो बिल्कुल होल्स के फॉर्म में या पोर्स के फॉर्म में बनता है, बाद में वो नया बाल जब आएगा वो उसको कवर अप कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक रहती है। जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं उसके बाद स्वेलिंग आने के चांसेस, पेन होने के चांसेस रहते हैं बाद में, तो उसके लिए पेन किलर एंटीबायोटिक दिया जाता है, और एक सप्ताह के बाद आपका स्कैल्प को वॉश करा जाता है जिससे कि स्कैप फॉर्मेशन जो पपड़ी से जमी है वो हट जाए। अगर स्कैप फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बना रहेगा तो हेयर जो आपके लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं टूट सकते हैं।
इसलिए आपको बीच बीच में इरिगेशन करते रहना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल सलाइन को स्प्रे करते रहिए और एक सप्ताह के बाद अपना स्कैल्प को वॉश कराते रहना, फिर बाद में फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। शुरू के 3 हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर रहे हैं बहुत तेजी से, ये नॉर्मल है। लगभग 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आपके नए बाल वापस से उग जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिनेस्ट्राइड की गोली, मल्टीविटामिन्स, मिनोक्सिडिल स्प्रे वगैरह और पीआरपी थेरेपी आपको लेते रहना चाहिए, वरना आपको दोबारा भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहीं और कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये जो टेक्निक होती है इसमें जो स्कैल्प फॉर्मेशन जम रहा है, इसके लिए आप, मैंने कहा था रेगुलर वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। जनई लोग नहीं करते हैं और उनका बाल फिर टूट जाता है, इसलिए करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि किसको ये करवाना चाहिए और किसमें ये नहीं करवाना चाहिए। जिन लोगों का स्कैल्प बहुत वैकेंट हो गया, बॉल्डनेस आ गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, अपीयरेंस बहुत एजेड जैसा लग रहा है, उनमें आप ये करवा सकते हैं। जिन लोगों को जो बर्न हुआ है, मान लेते हैं कि किसी जगह पे स्कैल्प में बर्न हो गया या स्किन कोई एलर्जी हो गई थी जिससे कि हेयर हट गया वहां पर का, उनमें हम लोग ये कर सकते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में जिनका बाल बहुत ज्यादा थिन हो गया है उसमें टेक्निक किया जा सकता है, और मेल पैटर्न हेयर लॉस में तो करा ही जा सकता है। किनको नहीं करना चाहिए, जिनकी कीमोथेरेपी के बाद बाल चले गए हैं उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। जिनकी क्लोइडल टेंडेंसी होती है, मतलब गांठे बन जाती हैं कहीं पर चोट लगने के बाद या सर्जरी करने के बाद, उनको नहीं करना चाहिए। और फीमेल्स में अगर वो एरिया बहुत वैकेंट हो चुका है, ऑलरेडी काफी एरिया हेयर थिन हो चुका है, उनमें भी ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है। या आपका डोनर सरफेस ही, डोनर एरिया ही वीक है, बाली मजबूत नहीं है, तो आपको ये कराना नहीं चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सेफ प्रोसीजर है, इसको आप बिल्कुल करा सकते हैं, यह आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हर जगह पे जाने से पहले समझ लेना है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर जरूर हो और उन्होंने हजारों प्रोसीजर्स पहले किए हैं सक्सेसफुली। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।